लोकसभा चुनाव से पहले शशि थरूर ने बताया भाजपा के 400 पार को एक मजाक, 300 पार असंभव और 200 पार करना भी होगा भाजपा के लिए बड़ी चुनौती। मीडिया से बात करते हुए थरूर ने ये दावा कर दिया कि केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भाजपा को कोई भी सीट नहीं मिलेगी और दक्षिण में तो बीजेपी का प्रदर्शन 2019 से भी बेकार होगा। कांग्रेस के जाने माने नेता शशि थरूर तिरुवनंतपुरम सीट से पार्टी के उम्मीदवार हैं और बीजेपी की तरफ से इसी सीट पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर चुनावी मैदान में हैं, जबकि CPI ने भी अपना उम्मीदवार उतार कर मुकाबला मुश्किल कर दिया है। 26 अप्रैल को इस सीट पर मुकाबला हुआ था, लेकिन वहीं शशि थरूर अपनी जीत को लेकर काफ़ी आश्वस्त हैं और यदि वो इस बार भी जीत गए तो ये उनकी यहाँ पर लगातार चौथी जीत होगी। तिरुवनंतपुरम सीट पर 2 महीने तक खूब चुनाव अभियान के करने के बाद अब शशि थरूर दिल्ली वापस आकर कांग्रेस कार्य समिति में अब देश के बाकी हिस्सों में सदस्य के रूप में जुटे हुए हैं। पहले 2 चरण के मतदान होने के बाद अब शशि थरूर से इस पर पूछा गया तो वो बोले कि अभी तक 190 सीटों पर मतदान हो गया है और हमारे सोर्स के मुताबिक हमारे पक्ष में काफ़ी अच्छा मतदान हुआ है। हम ये नहीं कह रहे कि हमारी कोई लहर है, लेकिन मोदी लहर जैसा कुछ भी प्रतीत नहीं हो रहा है। कांग्रेस और गठबंधन की जीत और सीटों के बारे में जब शशि थरूर से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि ये तो क्रिकेट की तरह है, जहां प्रशंसक भविष्यवाणी नहीं करता, सिर्फ जीत की कामना करता है। थरूर ने आगे कहा कि वास्तव में जो लोग कुछ समय से चुनाव में नजर आ रहे हैं उनका भी बिल्कुल यही मानना है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं में वो उत्साह अब नहीं रहा जो 2014 या 2019 में दिखाई देता था। मैं यही कहूँगा कि इस समय हम अपनी उपेक्षा से कहीं अधिक आगे हैं। बेशक इस चुनाव को इतने लंबे समय तक खींचा गया, लेकिन अब आगे देखना ये है कि क्या थरूर बोलेंगे। फिलहाल तो हमें ये तय सा लग रहा है कि बीजेपी NDA अपना बहुमत भी खो देगी। थरूर ने कहा कि 400 पार का नारा एक मजाक है, 300 तो नामुमकिन है और मैं तो ये तक कहूँगा कि जिस तरह से हालात दिख रहे हैं अगर भाजपा 200 पार भी पहुँच जाए तो ये एक बड़ी उपलब्धि होगी। उन्होंने दावा किया कि केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बीजेपी को 0 सीट मिलेगी। तेलंगाना में उन्हें जो मुट्ठी भर सीटें मिली थी उन्हें फिर पाने के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। इसके अलावा भाजपा कर्नाटक में फिर से पिछला वाला प्रदर्शन नहीं दोहरा पाएगी। भाजपा को पिछली बार कर्नाटक में 28 में से 25 सीटें मिली थी और तेलंगाना में 17 में से सिर्फ 4 सीट ही जीत पाई थी और थरूर के मुताबिक इस बार बीजेपी का दक्षिण में और भी बुरा प्रदर्शन होगा।